आज माननीय सांसद महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी विभागों के ऑफिसर्स थे, पुलिस से डीसीपी थे, ट्रैफिक डीसीपी थे, एमसीडी से डीसी थे, जल बोर्ड, मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिसर्स थे, प्लस ट्रेड यूनियन ट्रेड एसोसिएशन के सॉरी नॉट ट्रेड यूनियन ट्रेड एसोसिएशन के भी लोग थे। तो काफ़ी चर्चा हुई जिसमें पुरानी दिल्ली क्षेत्र जो है, विशेषकर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र जो है, उसकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर कई चर्चा हुई और उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है और उनका क्या निदान संभव है उसके ऊपर अभी डेलिब्रेशन हुए हैं और अभी उसको हम लोग फील्ड में जाके भी देखेंगे। सांसद महोदय ने कहा है कि वो भी फील्ड में आएंगे और वहीं पे उसका निरीक्षण करके डिसाइड किया जाएगा इसका क्या सॉल्यूशन है। उसके अलावा जो एनक्रोचमेंट रिमूवल की बात है और उसके अलावा जो सिक्योरिटी की बात है, जो हमारा मेन कंसर्न है ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, उसके ऊपर हमने ये बताया और पूरे हाउस को हमने ये अवगत कराया कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर अगले 10 दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं। खास निगरानी रखी जाएगी सर सिक्योरिटी के मद्देनजर, सीसीटीवी एंड अदर थिंग्स को लेकर। हाँ जी बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है और इसको हम लोग ने स्टार्ट भी कर दिया है। हम लोग इंटेंसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उनकी चेकिंग भी स्टार्ट कर दी है। उसके अलावा हम लोगों ने जगह जगह लोगों को जागरूक बनाने के लिए होर्डिंग्स भी लगाए हैं कि आप लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हमारा साथ देना, तो आप कैसे अलर्ट रहें और क्या क्या आपको आसपास नोटिस करना है। उसके अलावा हम लोगों की दिल्ली पुलिस की जो स्कीम्स हैं आईज एंड ईयर्स, जिसके तहत हम लोगों को हमारी आँख और कान बनने के लिए कहते हैं कि आप हमें कुछ भी सूचना हो दीजिए, और एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जो नहीं हटा रहे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी है और हम लोग बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं और पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं ताकि दिल्ली को सुरक्षित किया जाए। देखिए जैसा कि डीसीपी नॉर्थ ने बोला है, तो हम लोग भी इनके साथ मिलकर एक तो इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाएंगे। दूसरा ये है कि ये फेस्टिवल सीजन है तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की जा रही ट्रैफिक स्टाफ की, कि ट्रैफिक का रेगुलेशन प्रॉपर हो और किसी तरह का कंजेशन ना हो। और पोल्यूशन को लेकर भी अभी काफ़ी सेंसिटिविटी है दिल्ली में, तो उसमें 2-10 से 15 साल वाले व्हीकल हैं जिनकी टाइम ओवर हो चुका है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, उनको हम सीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल सारे फ्रंट्स पे ट्रैफिक काम कर रहा है और एमसीडी या लोकल पुलिस को भी सपोर्ट मांगती है ट्रैफिक से, तो ट्रैफिक पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा, सपोर्ट देगा। सर ओल्ड दिल्ली के एरिया में कुछ बेहद कंजेशन वाले एरियाज हैं, जैसे रेड फोर्ट के सामने हो गया, सुभाष रोड हो गया, या नीचे रेलवे स्टेशन, इन रोड पर कंजेशन को लेकर सर आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं? कुछ रेडलाइट वगैरह भी यहाँ पे कभी खराब हो जाती है तो उसको लेकर? देखिए रेडलाइट खराब होती है तो जैसे हमारी नोटिस में आती है हम उसको तुरंत ठीक करते हैं, और जहाँ जहाँ मार्केट्स हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है आपको पता ही है, तो वहाँ हमने डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है जिससे कि किसी तरह का जितना भी ट्रैफिक कर सकता है कंजेशन ना हो और स्मूथ ट्रैफिक चले।